जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, अग्निवीर जैसी योजनाओं से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो ये देश नहीं बचेगा, यहाँ का लोकतंत्र नहीं बचेगा, यहाँ संविधान नहीं बचेगा। इस बार हमारी जीत नहीं, इस सुवरिंदा की जीत है, यहाँ के नौजवानों की जीत है, यहाँ के किसानों की जीत है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया है। श्रेष्ठ यूपी से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि जनता मोदी सरकार के काम से दुखी है और वो बदलाव चाहती है, लिहाजा इस बार इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। वीरेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकी सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का चुनाव है और आईपीएल के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो लोकसभा चुनाव है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है, फरिंदा विधानसभा में, और हमारे साथ फरिंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। ये उस समय विधायक बने जब 2022 में कांग्रेस से सिर्फ दो विधायक थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग बीच में आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवपाल यादव पहली बार एक मन से आपके लिए वोट मांगे, बड़ी चीज है, कैसे देखते हैं इस चीज को? क्योंकि उनका विश्वास मेरे ऊपर है ना। हाँ। इंडिया गठबंधन के साथी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश जी का विश्वास मेरे ऊपर है। हाँ। और हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी का विश्वास मेरे ऊपर है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शिवपाल जी एक साथ हम जाए। इंडिया गठबंधन को लेकर अभी कल ही जो है अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी वाली सीट यानी क्यूटो वाली सीट, बनारस वाली सीट को छोड़कर बीजेपी कोई सीट नहीं जीत रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार मोदी एंड कंपनी, और पूरी बीजेपी कह रही है 400 पार। तो 400 पार का जो नारा है ये साइकोलॉजिकल अगर लोगों पे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि 2014 में हर इस बार जो मोदी सरकार जो है करने का नारा, या 2019 में घर घर मोदी वाला नारा, और 2024 में 400 पार वाला नारा, दो बार की लहर के बाद इस बार मोदी लहर है या गायब हो गई है? बिल्कुल गायब है। आप देख लीजिए, किसी से नाम पूछ लीजिए, कहीं उनका कार्यक्रम लग रहा, मोदी जी का सभा लग रहा, कोई नाम ले रहा उनका? लहर ही नहीं है, नाम लेना कोई नहीं चाहता है। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, अग्निवीर जैसी योजनाओं से परेशान है, कौन नाम लेने वाला है? यहाँ तो लोगों को परिवर्तन की बयार हो रही है, पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है और सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। किसी जाति धर्म के लोग हों, किसी वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएँ हों, बुजुर्ग हों, सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं इसमें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला भविष्य जो है इस देश का अंधकारमय है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो ये देश नहीं बचेगा, यहाँ का लोकतंत्र नहीं बचेगा, यहाँ संविधान नहीं बचेगा। 2022 में आप विधायकी जीते, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत थी, वो विश्वास जो है आप लोकसभा के इस चुनाव में भी लेकर चले आए, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या सोच रही थी जब टिकट मिला आपको? क्या सोच के टिकट दिया, या फिर क्या विश्वास था कि वीरेंद्र चौधरी जो है विधायक हैं, सांसद बनने का जो गुड़ है वो आ गया है विधायकी में 2-3 साल में? देखिए, राजनीति में तो आदमी जीवन भर सीखता है, कोई विधायक हो जाए, जिला पंचायत हो जाए, प्रमुख हो जाए, सीखता है जीवन भर। मैंने भी विधानसभा जीतने के बाद 2 साल जनता की सेवा की, हमारे नेताओं ने विश्वास किया, इस विश्वास पे उन्होंने इस बार मुझे यहाँ उतारा है कि फिर जनता विश्वास करके मुझे यहाँ से लोकसभा सदस्य जिताएगी। आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ सिसमा चले जाइए, आप पनीरा चले जाइए, आप नौतरमा चले जाइए, गढ़ महाराजगंज कहा जाता था पिछले कई लोकसभा चुनाव में, अब इस गढ़ में खलबली मच गई है। उसका कारण एक ये है कि वीरेंद्र चौधरी हैं, दूसरी तरफ पंकज चौधरी हैं। ये चौधरी चौधरी वाला मेल मिलाप बड़ा, भाजपा भी सटीक बैठाई और साथ में इंडिया गठबंधन ने भी सटीक बैठा दिया। इससे पहले यहाँ का सांसद 6 बार जीता है, 5 बार, 6 बार, और 7वीं बार जब इस बार है उसको जमीन पे आना पड़ा है, क्योंकि आप उसके सामने एक किसान का बेटा, एक क्षेत्र का बेटा, नौजवान यहाँ महाराजगंज का बेटा लड़ रहा है, उसको ज़मीन पे आना पड़ रहा है। इससे पहले वो कभी ज़मीन पे नहीं आता था, वो हवाई यात्रा करता था, ऐसे हाथ हिला के चला जाता था और जीत जाता था। आज देख लीजिए उसकी क्या हालत है, उसका पूरा परिवार, उसकी बहू, उसका बेटा, उसका माँ, उसकी सारा खानदान ज़मीन पर आ गया। क्यों? क्योंकि एक किसान का बेटा लड़ रहा है, नौजवानों का साथी लड़ रहा है, यहाँ का युवा लड़ रहा है, और ये इस बार हमारी जीत नहीं, इस सुवरिंदा की जीत है, यहाँ के नौजवानों की जीत है, यहाँ के किसानों की जीत है। जो अखिलेश सिंह का पर्चा खारिज हो गया, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? मैं नहीं जानता इस चीज़ को, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं, वो जानते होंगे। मोदी जी को लेकर बहुत तंज कसा गया कि पिछले 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत, एक बार शायद इंटरव्यू दिए थे, उसके बाद अब जो है लगातार इंटरव्यू तमाम चैनलों को दिए, तो जो बातें हैं वो धीरे धीरे अब सामने आने लगी। आज तक का भी इंटरव्यू हुआ और तमाम चैनलों पर इंटरव्यू हुआ, मोदी जी का इंटरव्यू आपने देखा कि नहीं देखा?
मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं एक महीने से लगातार चुनाव अभियान में हूँ, मैंने इंटरव्यू देखा नहीं, मुझे देखना भी नहीं है। वो तो प्लांटेड इंटरव्यू है, साथ ही पहले से क्वेश्चन तय कर लेते हैं, वो भेज देते हैं, उन्हीं सवालों पर पूछते हैं, ये तो प्लांटेड है, वो प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है। विधायक रहते हुए महाराजगंज में क्या समस्याएं अभी नजर आती हैं आपको, जो अगर आप सांसद बनते हैं तो उनको पूरा करने के लिए प्राथमिकता में वो चीज़ें रहने वाली? आप बताइए, महाराजगंज में इस जनपद में सबसे पहले ये किसानों का जनपद है, यहाँ खेती बाड़ी से 90% लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पूरा उनका खान पूरा खर्च, उनके पूरे परिवार की उन्नति वो सब किसानी पर निर्भर करती है। 5% से ज़्यादा यहाँ व्यवसायी नहीं है, 5% से कम ही यहाँ पे नौकरी सुविधा है, तो 90% लोगों का जो आधार है वो खेती है। और सबसे बढ़िया यहाँ पर गन्ने की खेती हुआ करती थी, चार चार चीनी मिल, यहाँ चीनी का कटोरा कहा जाता था इस क्षेत्र को, फरिंदा की चीनी मिल, शुगर गोगले की चीनी मिल, गड़ौरा की चीनी मिल और सिसवा की चीनी मिल, तीन चीनी मिलें बंद हो गई हैं। और इस वर्तमान सरकार में गड़ौरा की चीनी मिल बंद हुई है, सिसवा भी बंद हो रही थी, वो तो हमने जाके वहाँ पे दबाव बना के, आपने देखा होगा, हमने वहाँ पे चेयरमैन से लेकर जीएम को मैंने प्रेशर बना के उस चीनी मिल को दोबारा चलवाया, नहीं तो 40 से 50 लाख कुंटल गन्ना सड़क खेतों में पड़ा हुआ था, आज वो गन्ना पिराई हो गया है। इसीलिए एमएसपी की गारंटी के लिए किसान लगातार जो है धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, 2022 में भी ये चीज़ें देखने को मिली, फिर अब देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज आ जाएगी तो क्या एमएसपी की लिखित गारंटी सरकार देने का काम करने वाली है? हमारे घोषणा पत्र में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने घोषणा पत्र देखा होगा तो राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बन जाएगी तो हम इसकी लीगल गारंटी देंगे, तो इससे मतलब है कि निश्चित रूप से लीगल गारंटी। मैनिफेस्टो में एक और चीज़ है कि गरीब महिलाओं को 8,500 रुपये प्रतिमाह और 1,00,000 रुपये सालीना देने का वादा किया गया है, ये 15 लाख वाले जुमले की तरह तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जुमले वाली पार्टी ही नहीं है, जुमले वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, वो जुमला देके वो साबित भी हो गया, 15 लाख मिले क्या किसी को, 10 साल बीत गया किसी खाते में 15 लाख आए? चीजें लोगों को समझा पा रहे हैं आप, जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये चीजें समझा पा रहे हैं? बता रहा हूँ आपको ना, लेकिन हमने 8,500 रुपये का वादा किया, हमारी दो सरकार बनी है, एक कर्नाटका की सरकार है, एक तेलंगाना की सरकार है, आप जाके पता कर लीजिए, बेंगलोर में जाके हैदराबाद में पता कर लीजिए, 8,500 रुपये महीना हर महिलाओं के खाते में आ रहा है जो अपने घर के मुखिया हैं, और ये साबित करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम जो कहते हैं हमारी गारंटी है, हम जो बोलते हैं वो हमारी गारंटी है। मोदी की गारंटी जुमला है, मोदी की गारंटी जुमला है। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी और महाराजगंज से, और मैं आपको बताऊं कि देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो क्या कुछ विपरीत होने वाला है, या फिर जिस तरीके से महाराजगंज अपनी राजनीति को लगातार सजोए हुए है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर सेम चीजें चलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।